सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निथैला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका विचार कैसे होनी चाहिए? आप मेरे तरफ देखो, उसका विचार कैसे होनी चाहिए, जो शुद्ध भक्तों का विचार कैसे होनी चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्तर विचार ए जे वस्तु के लिए अमार भोगर जन्य न है, किंतु जावतीय वस्तु ही भगवान है सेवार जन्य। इसका मतलब है, जो शुद्ध भक्त उसकी भावना है भगवान की दुनिया को भगवान ने बनाया है, भगवान ने ये दुनिया को बनाया, भगवान ने जो दुनिया को जो कुछ बनाया है उनकी सेवा के लिए बनाया, वो हमारी सेवा के लिए ये वस्तु नहीं है। उनकी भावना यही भावना उनके रहते हैं। सकल चेतन अचेतन वस्तु सब ही कृष्ण सेवार जन्य। जगत में जो जड़ और चेतन है, ये जो दो चीज जगत में, जो जड़ वस्तु जैसे ये जड़ वस्तु है, अचेतनता जिसके अंदर चेतनता है जीव, यदि जो कुछ चेतन अचेतन जो वस्तु भगवान जो बनाया है ये सब के सब कृष्ण सेवा के लिए है। जैसे देखो ये टूल है, इसको अगर फोन कर रखे हमारी वीडियो आ रही है, जैसे ठाकुर जी सिंहासन बनाया, लकड़ी अचेतन है लेकिन वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। जैसे रसोई, जो रसोई वो भी जड़ है अचेतन है लेकिन उसको ऊपर में क्या हो रहा है, कृष्ण की प्रसाद बन रहा है। जैसे घर बनाया, ये भी सब जड़ है अचेतन है लेकिन वो किसके लिए, बोले भगवान की मंदिर बना हुआ है। इसलिए कहते जो कुछ बना हुआ है, सुतराम ऑल आवर एक्टिविटीज शुड टेंड टू हील अनलोएड सर्विस। यहाँ पर कहते हृषि के हृषि कम सेवनम भक्ति रुच्यते। इसलिए भक्ति किसको कहते हैं, इसलिए तो भक्ति का डेफिनेशन क्या है, तो भक्ति का डेफिनेशन है हृषि के न हृषि के सम सेवनम भक्ति रुच्यते। हृषि के न मतलब, हृषि का मतलब होता है इंद्रिय, हृषि के से मतलब होता है इंद्रिय का जो प्रभु। जब हम इंद्रियों को द्वारा इंद्रियाति प्रभु की सेवा करे उसको ही भक्ति कहते हैं। सा परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान के प्रति जो श्रेष्ठ अनुराग यही भक्ति है। इसलिए ऑल आवर सर्विस मस्ट टारगेट टू हिम ओनली। कहते हम लोग को जितने इंद्रिय द्वारा ऋषिकेश सेवा कराई दरकार, कहते हमारे यावतीय इंद्रिय, हमारे जितने समस्त इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा क्या करनी चाहिए, कद जो ऋषिकेश है उनको सेवा करने का जरूरत है। जैसे श्री अम्बरीश महाराज, वो सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्यत्व कर रहे थे, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जिनके राज्यत्व था, लेकिन होते हुए भी करते थे क्या, बोले सबई मन कृष्ण पदारविंद, मन को भगवान के चरण कमल लगाते थे, बोले बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्तन, वाणी को द्वारा क्या करते थे, भगवान की गुणानुवाद करते थे, करो और हरिर मंदिर मार्जन आदेशो, हाथ को द्वारा क्या करते थे, हरि के मंदिर मार्जन करते थे, बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, मतलब वाणी को द्वारा क्या करते थे, भगवान की गुणानुवाद करते थे, हर करो हर खेद पदारु सर्पण सिर ऋषिकेश पदापि वंदन, कहते सर को क्या करते थे, भगवान के चरण में झुका देते थे, प्यार को द्वारा मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा करते थे हैं। इसलिए भगवान संतुष्ट होकर क्या क्या करते थे, वो अपना राज्य को देखभाल नहीं करते थे, मंत्री को ऊपर में समर्पण कर दिए थे और संपूर्ण एकादश इंद्रियों को द्वारा वो भगवान की सेवा करते थे। इससे संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर के हैं, कहते भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र को भेज दिया, बोले जाओ अम्बरीश महाराज को राज्य को देखभाल करना, क्योंकि वो संपूर्ण सारे चेष्टा वो मेरे लिए कर रहा है, अभी उसको और राज्य को कौन देखभाल करेगा, इसलिए तुमको जाओ देखभाल करना।
इसलिए सुदर्शन चक्र स्वयं उनको राज्य को देखभाल करते थे। सिक्ख्या देते हैं जब कोई संपूर्ण इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करे ना, भगवान कहे तो मेरा ड्यूटी बनता है उसको देखभाल करना। जब मेरे को वो करता है, मेरा कर्तव्य उसको मैं देखना। इसलिए यह कह रहे हैं हमारे जितना सारी चेष्टा है हमारे इंद्रियों को द्वारा भगवत सेवा करनी चाहिए। इसलिए ऑल आर सर्विस सर्विस कहते सर भाइट ऑफ कृष्णा देयर फॉर वी शाल नॉट डिप्राइव देम द देयर सर्विस लेट ऑल द देम आफ्टर देयर सर्विस ऑफ कृष्णा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तीन ही हमारे सेवा ग्रहण करून, यह हमारे प्रार्थना हो। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, बोले प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी आप कृपा करके हमारी सेवा को ग्रहण करो। इसलिए ठाकुर को सेवा करने पर ऐसे नहीं हम ठाकुर को नहीं खिलाएंगे तो ठाकुर कैसे खाएंगे, ठाकुर को हम सेवा नहीं करेंगे तो ठाकुर का सेवा कैसे होगा। मैं खिलाता हूँ तब तो ठाकुर खाते हैं, मैं सेवा करता हूँ तब ऐसे नहीं, नहीं। उनके अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड, उनका कितने सत्तर करोड़ गोपियाँ, उनकी 16,108 पटरानी, उनकी कितने वैकुंठ भगवान की अनंत भक्त अनंत रूप में अनंत की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए सेवा की कोई अभाव नहीं। बल्कि हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए ठाकुर जी हम जो सेवा कर रहे हैं आप थोड़ी सी कृपा करके हमारी सेवा को ग्रहण करो, क्योंकि हमारी सेवा को अगर आप ग्रहण करें हमारा कल्याण होगा। ऐसे नहीं हम नहीं खिलाने पर ठाकुर भोजन नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं। इसलिए प्रार्थना होनी चाहिए आप कृपा करके हमारी सेवा को ग्रहण करो। यदि ईट गुल्ली के हमारे घर जन व्यवहार करी तभी असुविधा है लो, किंतु ईट गुल्ली भगवान ने मंदिर के काज लगाए ले हमारे सुविधा है। अगर हम सोचते हैं जैसे घर बनता है ना ब्रेक से ईट से घर बनता है, अगर हमने घर बना रहे हैं, अगर हमने ये अगर सोच करके करे क्या सोच करके कहते ये घर मेरा जो घर बन रहा है इसमें रहूंगा, ये मेरा घर है, इसलिए जो ईट है इसको हम अपना घर में लगाऊंगा, बोले नहीं ये दुर्बुद्धि है, नहीं ये घर नहीं भगवान का मंदिर है। अगर ये ईट को तरह भगवान के मंदिर में अगर लगे ठाकुर का सेवा के लिए लगे तो तभी क्या हुआ, तो ये ईट जो लगाया है इसकी सार्थकता है, हैं। इसलिए किंतु भगवान ने मंदिर काज लगाए ले हमारे सुविधा ही वे, अगर भगवान की मंदिर की सेवा में लगाएंगे तो हमारी सुविधा होगा। अचेतन पदार्थ गुल यदि भगवान ने सेवा नियोजित है तबे तद्वारा वह देर सदव्यवहार है लो। जैसे ईट अचेतन वस्तु है, ईट अचेतन वस्तु अगर वो ठाकुर को अगर सेवा में लग गया तो क्या हुआ, कहते जो वो जो अचेतन वस्तु है जो ईट अचेतन होने पर भी उसकी जीवन धन्य हो गया है, क्यों उसने ठाकुर के सेवा में ही लगा, भगवान की सेवा में लगा। आवार जीवर इंद्रिय तर्पण नियुक्त तो है ले असत व्यवहार है, अगर हम कोई चीज को अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए अपना भोग के लिए लगाए फिर गड़बड़ी है। इसलिए हर चीज उसकी सेवा में लगेगा तो सार्थकता है। बोले कथा थी एक समय दो व्यक्ति बड़े दुखी होकर भटक रहे थे, और उन्होंने बल्लभाचार्य को, उन्होंने बल्लभाचार्य नाम सुने होंगे, हाँ बल्लभाचार्य को उन्होंने शिकायत किया दो व्यक्ति। बोले वो दो व्यक्ति कौन थे, कहते दो चावल थे, जैसे हम ठाकुर जी के लिए चावल बनाते हैं तो ना चावल बनाने के बाद उसका जो माड़ निकालते हैं पानी निकालते हैं उसमें क्या हुआ, दो चावल कैसे चला गया नाली में, जो पानी जब निकाले जब चला गया वो दो जो अन्न दो व्यक्ति है वो दो व्यक्ति जाकर के बल्लभाचार्य को शिकायत कर रहे हैं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में हमें कहीं ये वृक्ष जन्म मिला है धान का वृक्ष, और उसमें बड़े भाग्य से हमें धान बन करके आए, बड़े भाग्य से उसको निकाल करके चावल बनाया गया, अभी अगर हम ठाकुर को सेवा में लग जाते तो हमारे जीवन धन्य हो जाता, लेकिन जब उन्होंने मार निकाले हम दो चावल किया हुआ उसमें बह गया तो हम ठाकुर की सेवा में नहीं लग पाए, हमारा जीवन बेकार हो गया। इसलिए पुजारी ने हमें ठाकुर की सेवा में नहीं लगा, कितने जन्म भटकते भटकते आए ठाकुर की सेवा करके अगर जीवन धन्य हो जाता, लेकिन हमें ठाकुर की सेवा में
नहीं वो वल्लभाचार्य जो शिकायत कर रहे थे। अच्छा, तो उसका वो तो वल्लभाचार्य ने क्या किया फिर महाराज? उसने डांट लगाया रसिया बोले ये दो जीव को तुमने कैसे बहा दिया, वो ठाकुर का सेवा में नहीं लगवाए और दोनों आकर मेरे को शिकायत किया है हम ठाकुर का सेवा में नहीं लगवाए। इसलिए हर चीज को हर चीज का सार्थकता है जब वो चीज ठाकुर को सेवा में लग जाए, सेवा में लग जाए। इसलिए अंग्रेजी में बहुत कठिन, अंग्रेजी मेरे को तो आता नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ बात बताया। अगर जो हम लोग ऐसे फ्रूट ऐसे धोते हैं ना, अगर जो गिर जाता है तो क्या करे उसको? क्या गिर जाता है फ्रूट? फ्रूट अगर धोने समय अगर जो गिर गया ना एक ऐसे ना, उसको उठा करके धो करके दे देते हैं और फिर ऑफरिंग कर दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। यह जगते जत्तो रकम मेरे अचेतन पदार्थ अच्छे सकल रही हरि सेवा नियुक्त तो है तब सार्थकता है। वे जगत में जितने सारे वस्तु है जगत में, इस सारे को सारे वस्तु जब भगवत सेवा में लग जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, तभी वो चीज का सार्थकता। यही जे कतगुली बांस देखछेन यहाँ द्वारा यदि हरि कथा श्रवण स्थान करा जाए तभी यही गुल सदव्यवहार हवे। जब प्रभुपाद ये बात कह रहे थे वहां पर एक बांस की जंगल था, बांस की बांस समझते हो ना जी, अब बांस की जंगल था तो प्रभुपाद गए देखो ये जो बांस के जो वृक्ष है ना, अगर ये सारे बांस का वृक्ष तभी इसका सार्थकता है अगर जब इसमें कोई घर बने। लेकिन कौन सा घर बने? बोले जहाँ पर हरि कथा होता है, जहाँ पर हरि कीर्तन, जहाँ पर हरि कथा हो रही है, अगर ये बांस अगर वहां पर अगर ठाकुर की सेवा में लग जाएगा तो तभी ये बांस की जीवन भी धन्य हो जाएगा, इसकी जीवन भी सार्थकता हो जाएगी, है सार्थकता हो जाएगी। इसलिए कहते यही जे कतगुली धर हरि का सेवन स्थान पर श्री मंदिर वो हरि भक्त सेवार जन्नई हमारे यही द्रव्य व्यवहार करी। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे जितने सारे वस्तु है उसको कहाँ पर व्यवहार करने पर इसका सार्थकता है। कभी जो हरि का जो मंदिर और हरि भक्त सेवार जन्य अगर भगवान के मंदिर के लिए और भगवान की भक्त सेवा के लिए अगर ये जितने सारे द्रव्य है अगर उसी की सेवा के लिए अगर इसके व्यवहार किया जाए तो तभी ये वस्तु का सार्थकता हो जाएगा। इसलिए भक्त सकल कार्यी भगवान ने सुखर जन्य हरि गुरु वैष्णव सेवार जन्य। कभी जो प्रश्न था ना जो भक्त है शुद्ध भक्त उनका व्यवहार कैसे है, उनका व्यवहार कर जो भगवान की सचमुच से भक्त है वो जानते हैं हर वस्तु ठाकुर के सेवा में लगने पर ही उसका सार्थकता है, अपना सेवा में नहीं ठाकुर के सेवा में वैष्णव सेवा में। इसलिए भक्त रे सकल कार्य ही भक्तों का जितने सारे क्रिया है वो किसके लिए है? बल्कि भगवान के सुख के लिए है, हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए ही सारी वस्तु है। इसलिए ए ट्रूथ डेवोटीज Does not do anything for his sense enjoyment. इसलिए उसका कोई वस्तु भी अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है, उसका सारे वस्तु भगवान की सेवा के लिए होता है। शुद्ध भक्त निजर जन्य व आत्मीय स्वजन जन्य कौन काज करे ना, फिर जो शुद्ध भक्त उसका क्रिया कैसे होनी चाहिए? उसको क्रिया है वो कोई भी वस्तु अपना लिए वा अपना यार दोस्त के लिए बंधु बांधव के लिए वो नहीं करते हैं, हैं नहीं करते हैं, किंतु एब्सोल्यूट ट्रूथ एर जन सकल करें जो वास्तव जो सत्य है भगवान है उनके लिए करते हैं। कुछ लोग कहते ना नहीं हम पैसा कमा कर रखेंगे हमारा बेटा बेटी आत्मीय स्वजन खाएं, पर नहीं भक्तों का ही भावना नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो वस्तु हर वस्तु अगर गुरु वैष्णव ठाकुर की सेवा में लग गया तो सार्थकता है। ऐसा हमने बहुत पैसा कमाया रखा पैसा को रख कर तो गए लेकिन उल्टा पुलटा काम में लग गया। जैसे पुराण में कथा आती है एक समय एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म किया था स्वर्ग में गया रत्न सिंहासन में बैठा वहां पर सब दास दासियां उनको सेवा कर रहे थे लेकिन वो स्वर्ग में भी रो रहा था दुखी हो रहा था बेहोश हो रहा था।
तो जोगी ने पूछा, तू इतना अच्छा कर्म करके स्वर्ग में आए हो, सोने के सिंहासन में बैठे हो, अप्सरियां तुम्हारी इतना सेवा पूजा कर रही, यहाँ रो रहे क्यों? बोले मेरे से गलती हो गई। बोले क्या हो गई? बोले मैंने जो पैसा कमाया दान पुण्य तो किया, स्वर्ग में आया, लेकिन जो कुछ पैसा छोड़ करके आया था, अभी वो पैसा को बच्चे शराब पी रहे थे, पैसा से मांस खा रहे हैं, पैसा से जुआ खेल रहे हैं, पैसा से उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। चूंकि वो पैसा को मैंने ही छोड़ करके आया था, पैसा मेरा ही था वो पैसा, और वो पैसा को ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है पाप। अगर हमने पैसा छोड़ कर गए, घर मकान छोड़ कर गए, लेकिन बच्चे उसको दुर्व्यवहार किया, गलत काम पर लगाए, कभी जो पैसा छोड़ करके जाएगा उसको ही उसको पाप भोगना पड़ेगा। कहीं भी जाओ उसको, क्यों? आपकी पैसा से ही बच्चे गलत काम किए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, शुद्ध भक्त निजर जन्य आत्मीय स्वजन जन्य कौन काज करे ना, जो शुद्ध भक्त है कोई आत्मीय स्वजन, समझ रहे हो, अपना परिवार उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते, वो करते किसके लिए, किंतु एब्सोल्यूट ट्रूथ जो वास्तव जो सत्य है उसके लिए करके जाते हैं, किसके लिए, भगवान के लिए करके जाते हैं। इसलिए ही इज द ऑलवेज ट्रूथ टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए सुप्रीम जो लॉर्ड भगवान है, जो वास्तव सत्य, उनके लिए ही सब कुछ करके जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त है उनका भावना यही है, हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए, जब ये वस्तु ठाकुर को सेवा में लग जाए तभी इसकी सार्थकता है। जैसे पैसा, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी थोड़ी है हमारी, लक्ष्मी तो नारायण की है, लक्ष्मी कब खुश होगी, जब लक्ष्मी नारायण की सेवा में, ठाकुर को सेवा में लग जाए, तभी वो लक्ष्मी की सही व्यवहार, नहीं तो अगर इधर उधर कुछ लगे ना, सारी लक्ष्मी नाराज होती है, दुखी होती है, वो अभिशाप देती है, वो अभिशाप फिर देती है हम लोगों को। हाँ, दूसरा प्रश्न है, बोले कौन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कौन, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं, बोले जहरा श्री रूपाभिन्न श्री गुरुदेव अकपट अनुगत्य करें, ताहराई भगवान कृपा पाएवेन, ताहराई कृष्ण प्रेम लाभ करें। बोले भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं, बोले भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं, बोले जो गुरुपाद पद्म है वो कौन है, बोले ये रूप गोस्वामी के अभिन्न है। हम कहते ना हमारे गुरुदेव कौन, बोले राधा रानी की एक सखी बा नित्यानंद प्रभु अभिन्न स्वरूप हमारी श्री गुरुपाद पद्म है, श्री गुरुपाद पद्म है। इसलिए वास्तव रूप में अगर जो व्यक्ति अकपट रूप में गुरु जी के अनुगत्य में भगवत सेवा करते हैं, कहते हैं निष्कपट रूप में करते, वही व्यक्ति ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए वास्तव रूप में जो गुरु जी के अनुगत्य में भगवत सेवा करे, कहते वही वास्तव रूप में कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, जो गुरु जी के अनुगत्य में भगवत सेवा करे। लेकिन यहाँ भी विचारणीय, लेकिन सचमुच से जो गुरु है, इसलिए गुरु मतलब क्या है, अगर सोचो जैसे तैसे गुरु की अनुगत्य में किया, फिर नहीं, फिर तो नरक जाना पड़ेगा। अगर गुरु अवैष्णव हो, वास्तव रूप में उसकी सारे क्रिया अगर ठाकुर का सेवा के लिए नहीं हो, जो कुछ करते अगर ठाकुर का सेवा के लिए नहीं करते, अपना भोग के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करते नहीं, ऐसे गुरु जी के अनुगत्य में कल्याण नहीं होगा। सचमुच से जो गुरुदेव है उनका गुरुदेव हम किसको कहेंगे, हम प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते हैं गुरुदेव कौन, बोले नित्यानंद अभिन्न है हमारे गुरुदेव। लेकिन क्या सबगुरु ऐसे, बोले नहीं सबगुरु नहीं, जिसका आदर्श नित्यानंद प्रभु का है, बलदेव प्रभु का, उनका आदर्श क्या है, कहते वो कृष्ण से अभिन्न, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु कृष्ण से अभिन्न। लेकिन अभिन्न होकर कर रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं 5 रसों से और 10 शरीर से वो कृष्ण सेवा कर रहे हैं, हर समय कृष्ण सेवा को छोड़ करके इनका जीवन में और कुछ ही है ही नहीं, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए करते हैं, वो अपना लिए कोई भी काम को नहीं करते हैं, अपना लिए भी कोई खर्चा नहीं करते। हमारे जो गुरुदेव थे ना, जब भगवान की उनने झूलन बनाया अपना मंदिर में, कितना सुंदर उनने झूलन बनाया, अपूर्व उनने झूलन बनाया, क्यों, भगवान बैठेंगे जिसमें, ठाकुर जी की दोलेंगे जिसमें, ठाकुर जी के लिए कितना सुंदर मंदिर बनाया। लेकिन जब भगवान के लिए बनाते थे ना, हाथ खोल करके
जितने सुंदर से सुंदर चीज हो ठाकुर का सेवा में, लेकिन जो अपना लिए कुछ करते थे बहुत सोच विचार करके, बहुत सोच विचार करके, उनको पता है कि जितने पैसा है वो हमारी भोग के लिए नहीं, ये सारे पैसा गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए मेरे को किसने दिया है, ये सब कुछ ठाकुर को सेवा के लिए मेरे को दिया। अगर ये सारे पैसा अगर ठाकुर को सेवा में अगर लगेगा तो तभी वो वस्तु की सार्थकता है। अगर हम अपना सेवा में अगर पैसा को लगाए बस वो पैसा बेकार है, यद्यपि उसका भी सार्थकता है क्योंकि वैष्णव सेवा में लगा, लेकिन वो तो नहीं, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की, जब ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी तब ये लक्ष्मी की सार्थकता है, मेरे सेवा में नहीं। इसलिए हमारे गुरुजी अपना लिए कोई भी चीज़ अगर कोई लाने के लिए, उनका जो सेवक था, सेवक चाहते हैं गुरुजी की सेवा के लिए अच्छी अच्छी सेवा हो, गुरुदेव गुरुजी सेवा के लिए जब बोलते थे गुरुदेव बहुत सोच विचार, बोले नहीं जरूरत नहीं ये चीज़ लाने का, ये चार्ज नहीं लगेगा तो हमारा चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन ये चीज़ ठाकुर की, ठाकुर की सेवा में कैसे लग रहा है ये चीज़ देखो, ठाकुर को बढ़िया सेवा हो रही है कि नहीं है। इसलिए हमारे गुरु जी का भी गए तोटा गोपीनाथ में निमंत्रण उन्होंने दिया, तोटा गोपीनाथ में गए निमंत्रण दिया, तो वहाँ पर जब गए प्रसाद बहुत बढ़िया बनाएगा, साग बहुत अच्छा, भाजी दाल सब्जी गड्ढे का सब्जी चाटनी खीर बनाए थे, गुरुदेव ठाकुर को प्रसाद पाए, जब मंदिर में आए ना बोला हमारे मंदिर में भी ठाकुर का ऐसे सेवा होनी चाहिए, देखो भक्तों का भावना किया है, वहाँ पर गए अच्छे प्रसाद पाए, बढ़िया प्रसाद पाए, गुरुदेव मंदिर में आकर कहते मैंने वहाँ पर गया ठाकुर को ऐसे ऐसे सेवा देखा, ऐसे हमारे मंदिर में रोज ठाकुर के लिए कुछ भाजा बनेगी, साग भाजी बनेगी, ठाकुर के लिए रोज थोड़ा चाटनी बनाना, ठाकुर जी के लिए थोड़ा कम भी हो थोड़ा, रोज ठाकुर को खीर भोग लगनी चाहिए, ठाकुर की दाल होनी चाहिए, गड्ढे की सब्जी होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए कोई रसा होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए हैं, हमने वहाँ पर देखा तो ठाकुर गोपीनाथ को ऐसे बढ़िया बढ़िया सेवा लगा हमारे। गुरुदेव गए जगन्नाथ मंदिर में देखा ठाकुर जी के लिए बड़े ही सुंदर झूला बनाया, बड़े ही सुंदर झूला, गुरुदेव बोले देखो कितना सुंदर झूला है, हम भी अपना ठाकुर के लिए झूला बनाएंगे। इसलिए हमारे गुरु जी मठ में जो झूला है ना सबसे बेस्ट झूला है, ऐसे झूला आप कहीं नहीं देखोगे, रूप सनातन में मैंने रूप सनातन में मैं बनाया, लेकिन मेरे गुरु जी के मठ में मैंने जो देखा था, मैं देख करके आया था कैसे झूला गुरु जी के मठ में बनाया, जब मैं रूप सनातन मठ में आया मैंने कहा मैं भी ऐसे यहाँ के लिए बनाऊ, जब रूप सनातन में पहला बार वो झूला बनाया ना, मैं पूरी से मिस्त्री को बुला करके लाए, बहुत पैसा खर्चा किया, खर्चा करके जब झूला मैंने बनाया, जो एक बार देख लिया ना वो पागल हो गए, हमको प्रचार नहीं करना पड़ा झूला देखने के लिए, आओ जो देखा उसी साल गुरुदेव वहाँ पर थे नारायण गोस्वामी महाराज, संपूर्ण वृंदावन टूट पड़ा देखने के लिए क्या बनाया, जो देखते थे ना आग फट जाता था, क्या कोई सचमुच से कोई झूला है क्या भैया, सचमुच से कोई चीज ना कि कोई ऐसे बढ़िया झूला है। इसलिए जो हर चीज अपना गुरु जी का मंदिर में देखा है ना, इसलिए अब रूप सनातन मठ ऊपर रासलीला बनवाया, सखियों का मैंने सब मिस्त्रियों को ला ला करके मैंने बनाया था सब, क्योंकि हम अपना गुरु जी के मठ में देखा ऐसे ऐसे बना हुआ जी। मैंने कहा यहाँ पर भी ऐसे बननी चाहिए, मैं भी ऐसे वहाँ पर बना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो गुरुदेव की, जो गुरुदेव कौन है, अगर श्री गुरुदेव है श्री रूप गोस्वामी जो अनुगत्य में आने वाले, रूप गोस्वामी के अभिन्न स्वरूप जो गुरुदेव है, सचमुच से जो संपूर्ण एनर्जी भगवत सेवा में लगाते हैं, ऐसे गुरु जी के अनुगत्य में अगर हम भगवत सेवा करें तब क्या होगा, सचमुच से वो क्या होंगे, तब जरूर भगवान को प्राप्त वो कर सकते हैं, ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कहते गुरु कहते कहार सेवा कर्तव्य, यहाँ पर कह रहे हैं हमारी किसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा तो करनी चाहिए लेकिन सोच विचार कर करनी चाहिए किसकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं गुरु ओ भगवान अध्यक्ष सज हैं अध्यक्ष सज है एर संगे जहारा अच्छेन तिनी गुरु के ईश्वर रूपे देवता रूपे देखछेन। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु ओ भगवान क्या है, कहते गुरु और भगवान क्या है, कहते एब्सोल्यूट पर्सन
कहती है अधोक सजा, अधोक सजा मतलब है हमारी इंद्रिय से अतीत है, हमारी इंद्रिय से अतीत कौन है, कहते गुरु और भगवान इंद्रिय से अतीत। अतः एर संगे जहारा है एडजस्टमेंट होए छे तीनी गुरु के ईश्वर रूपे देवता रूपे देखे, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे गुरु और भगवान अधोक सज वस्तु इसको साथ में जो लोग एडजस्टमेंट किया है, हैं तीनी गुरु के वो क्या करते हैं, सो गुरुदेव को किस रूप में देखनी चाहिए, कहते गुरुदेव के जस्य देव परा भक्ति जथा देव तथा गुरु, मतलब है जैसे भगवान के प्रति हमारी सेवा की भावना है, चले गुरु जी के प्रति भी ऐसे ही सेवा की भावना हमें होनी चाहिए, जैसे भगवान के प्रति ऐसे गुरु जी के प्रति, ऐसे नहीं ठाकुर जी बड़े हैं इसलिए अरे गुरु जी तो उनको छोटे हैं, नहीं कहते जो वास्तव जो शिष्य है जैसे ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं गुरु जी को वैसे ही सेवा पूजा गुरु जी को भी करनी चाहिए, इसलिए इतने गुरु भगवान और भक्त युगपत, कहते गुरु सेवक भगवान व आश्रय विग्रह, इसलिए गुरुदेव कौन है, कृष्णा विषय भगवान है और जो गुरुदेव है वो आश्रय भगवान है, इसलिए एक जन गुरु भगवान भक्त युगपत, इसलिए गुरु वैष्णव और भगवान ऐसे में एक ही वस्तु है, गुरु वैष्णव और भगवान, गुरु भगवान है आओ भगवत प्रियतम, कहते गुरुदेव जो गुरु शिष्य क्या समझे गुरुदेव कौन है, ये भगवत अभिन्न स्वरूप गुरुदेव है, अवल क्यों ये भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय है, अभिन्न मतलब नहीं गुरु भगवान नहीं, इसलिए गुरुदेव का इतना महत्व है, भगवान कहते हैं मेरे हृदय में साथ संतों का जो निवास मेरे हृदय में, और ये भगवान की अत्यंत प्रिय व्यक्ति है गुरुदेव, इसलिए उनको भगवत रूप में हम दर्शन करनी चाहिए, इसलिए कहते गुरु पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, बोले गुरुदेव कौन है, बोले ये पूर्ण शक्ति है, बोले कृष्ण कौन है पूर्ण शक्तिमान, सारी शक्ति का अधिष्ठात्री देवता, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र ब्रह्मा, इसलिए कहते हैं कि पूर्ण शक्ति एक पूर्ण वस्तु है, इसलिए ये दोनों में कोई फर्क नहीं, कहते जिन 24 घंटा भगवान ने सेवा करे सही भगवत भक्त गुरु जी सेवा करा दरकार, इसलिए कैसे गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, जो सचमुच से 24 घंटा में 24 घंटा जो व्यक्ति गुरुदेव की भगवान की सेवा करते हैं, हैं ऐसे गुरु जी की हमें सेवा करनी चाहिए, गुरु सेवा संगे संगे गुरु निष्ठ वैष्णव सेवा कराओ आवश्यक मंगल कर, जैसे गुरु जी की सेवा करते हैं उसके साथ साथ में जो गुरु जी का प्रतिनिष्ठा जो वैष्णव है उनको भी सेवा करनी चाहिए, इसलिए तबे भगवत भक्त बोले भूआ लोकेर सेवा कर ले कौन लाभ हवे ना, बोले भूआ लोकर, इसलिए तब भगवत भक्त बोले लोकेर सेवा कर ले कौन लाभ, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम गलत व्यक्तियों का सेवा करते हैं तो सचमुच से ठाकुर का सेवा भक्ति नहीं करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर सेवा करते हैं कहते फिर तो लाभ नहीं होगा, लाभ उनकी होनी लाभ तभी होगा सचमुच से जो जीवन दे करके गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए कलीर प्राबल्य आजकल भक्त और वैष्णव नाम अनेक भक्त भाषण देखा जाते अभी कलियुग है, कलियुग होने का नाते कुछ लोग भारत में भी देखना है साधु का वेश बना लेते हैं, जैसे अक्सर करके देखना जैसे वृंदावन जो परिक्रमा में जाओगे ना लोगों को देखोगे वहाँ पर एकादशी का दिन भी चाना खा रहे, एकादशी का दिन चाय पी रहे, एकादशी का दिन रोटी भी खा रहे, और वहाँ पर तभी अन्न छत्र में उनको खाना मिलेगा अगर ये वस्त्र वो पहनेंगे तो, वो इसलिए ये वस्त्र को पहन रखे ये जाने से वहाँ पर आपको भोजन मिलेगा, क्योंकि जो लोग दे रहे हैं वो साधु मान करके दे रहे हैं, हैं इसलिए उनका क्या ये वस्त्र अगर भगवा वस्त्र पहनेंगे गौरी के वस्त्र तभी वहाँ पर उनको भोजन मिलेगा, और एकादशी का दिन अन्न खा रहे हैं और एकादशी का दिन रोटी खा रहे हैं छोले खा रहे हैं और बास खाने के बाद फिर गंजा फूंकते बैठे बैठे और आपस में अड्डा इधर उधर की बात करते हैं नहीं, इसलिए कहते सेवा करनी चाहिए जो वास्तव रूप में जो जीवन गुरु वैष्णव सेवा में जो लगाया है जो ऐसे जो साधु है जो इनकी सेवा हम करते हैं तभी है तभी इनके ऐसे व्यक्ति से तभी जीविका
मंगल होगा। इसलिए कलयुग का, अभी कलयुग है, कब कलयुग का प्रबलता में है, जगत में अनेक साधु नामधारी व्यक्ति घूमते हैं है? इसलिए एक जने बलछी गुरु वैष्णव सेवा करता हवे, शुद्ध भक्त सेवा कर ले मंगल हवे। इसलिए किसकी सेवा करनी चाहिए? गुरु वैष्णव और जो भगवान की सचमुच से जो भगवान की भजन करते हैं उनकी सेवा से जीविका कल्याण होगा। किंतु भविष्य यदि के अभक्त हो जाए तब तार जने श्रम स्वीकार करता हवे ना, तार सेवा करिवार जने व्यस्त होता हवे ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर बाद में कोई अगर अभक्त हो गया है, अभक्त हो गया, भक्ति करते करते कोई व्यक्ति फिर बदमाश करने लगे, बोले नहीं, कहते ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए, कारण अभक्त सेवा कर ले अमंगल हवे, भगवत भक्त ही अनुगत सेवा कर दरकार। इसलिए यहाँ पर कह रहे सचमुच से जो भगवान की सेवा ही जिनका जीवन है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से हमारी कल्याण होगा। विश्रभण गुरु सेवा यह ही शास्त्रीय उपदेश। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, कहते विश्रम भेण गुरु सेवा। विश्रम मतलब है उनको भगवत अभिन्न मान करके व अत्यंत अत्यंत भगवान का प्रिय मान करके और उनको अपना बत है जीवन प्राण काय मन वाक्य से उनकी हमें गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। अनुगत गुरु सेवा गुरु पाद पद्म आश्रय करे दृढ़ विश्वास रह सही तो गुरु सेवा करता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं गुरु जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए दृढ़ विश्वास को साथ में हमें गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। यह ही शास्त्र उपदेश, यही शास्त्र का उपदेश है। विश्रवण अर्थ है दृढ़ विश्वास न प्रत्या वा दृढ़ विश्वास व पृथ्वी सहित गुरु वैष्णव सेवा कर ले मंगल है भई कृष्ण प्रसन्न हवे। वहाँ पर बताए गुरु वैष्णव की सेवा कैसे करनी चाहिए, बोले विश्रम भेण है। इसका कहते भैया विश्रम मतलब क्या है, विश्रम मतलब होता है दृढ़ विश्वास और प्रीति और प्रेम को साथ में है, दृढ़ विश्वास को साथ में गुरु वैष्णव की सेवा करने से जीव की कल्याण होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु के मनुष्य बुद्धि करते नहीं, गुरु निर्दोष सुतराम तार दोष देखते नहीं। इसे जो गुरु जी को साधारण इंसान रूप में नहीं देखनी चाहिए, गुरुदेव को ईश्वर बुद्धि में भगवत अभिन्न स्वरूप में उनको ये देखनी चाहिए, भगवान हमारी कृपा करने के लिए भगवान की जो कृपा ही है हा? एक मूर्ति रूप धारण करते हुए हमारे पास में श्री गुरु जी के रूप में हमारे पास में आए, इसलिए उनको साधारण बुद्धि में नहीं देखनी चाहिए। इसलिए समय और सुजग चिरकाल थाके ना, ऐ जने समय थकते थकते साधु संग हरिभजन सुजग सुविधा ग्रहण करा दरकार। यहाँ पर कह रहे हैं जो समय और जो सुजग है वो हर समय नहीं रहता है, इसलिए कहते जो समय और सुजग हर काल नहीं रहते, इसलिए क्या करनी चाहिए, ये आयु रहते रहते हमें इस जीवन में साधु संग और हरिभजन करके ये जीवन को हमें धन्य बनानी चाहिए, क्योंकि हर समय सुजोग नहीं आता है, सुविधा भी नहीं आता है। हम कहते ना भजन तभी करेंगे, अरे नहीं बच्चों को शादी वादी करा दे, बच्चों को सेटलमेंट कर दे हैं, इसलिए सारे काम को निपटा दे फिर भजन करेंगे, बोले अभी तो किसी काम नहीं निपटा है, कहते खुद निपट जाएंगे, खुद निपट जाएंगे मतलब मर जाएंगे, लेकिन जगत में काम कभी नहीं निपटा सकते, खत्म नहीं कर सकते। इसलिए सुजोग सुविधा जिस समय आया है उसी समय में ही जीवन को प्रभु के भजन में लगा दो, भक्ति के जीवन को लगा करके जीवन को सार्थक बना लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कार सेवा कर्तव्य, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं किस किसकी सेवा करनी चाहिए, बोले शुद्ध भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, हमारे भी कल्याण है उनका भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वंशाकुलपतिर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे निताय और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद इसको तो मैंने क्या कथा सुना इनको सुना दो तो इनको जी।